सुना था पर वक्त बताने वाली कड़ी भी चलती है, ये तो पहली बार देखा है। लेकिन भाई साहब, ये चलते चलते मेरी घड़ी आपकी कलाई तक कैसे पहुंच गई? क्या जवाब दूं किरण बल्ला जी? ओए होए 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 होए, तो सही की बाबू जी, कितने भुलक्कड़ हो गए हो आप लोग। ये तो वही घड़ी है जो बीजी ने आपको दी थी। हैं? अरे किरण, बल्ला जी ने मेनू दी थी। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। तो खमीला, तुझे सब याद रहा? अब तो प्रजाई, आपको भी सब कुछ याद रहेगा ना? मैंने ही तो दी थी बल्ला जी को घड़ी, है ना बल्ला जी? घड़ी दी थी मैंने। अच्छा, तो आपको ये भी याद रहेगा कि आपने घड़ी कब दी थी, याद है? वो तब दी थी, कब दी थी का मतलब क्या है? अरे कब क्या बीजी, वो इनके आखिरी जन्मदिन पर। आखिरी जन्मदिन मतलब अभी जे तो जिंदा है। आओ, जिंदा जिंदा है जी। आखिरी का मतलब है वही वो पिछले जन्मदिन पर है ना बीजी? है जी, मैंने ही दी थी बर्थडे में, लास्ट अंग्रेजी में, और मैंने गाना भी गाया था जी। वो क्या था वो गाना? हैप्पी बर्थडे टू यू। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये घड़ी तो एकदम से साकी घड़ी जैसी दिखती है। इस घड़ी का अलार्म भी बाबू सा की घड़ी के टाइम पे ही बजता है। इत्तेफाक, कोइंसिडेंस जी? हाँ। तो इनकी घड़ी कहाँ है बताओ? इत्तेफाक। हाँ जी, हमारी घड़ी कहाँ गई? तुझे क्यों फिक्र कर रहे हो बुआ, घर की चीज है, घर में घूमी होगी तो घर में ही मिल जाएगी। आ रही है, हमने ही जेब में रखी होगी और हम ही भूल गए। खैर वो छोड़िए, देखिए टाइम हो गया है, वो ज्वेलर के जाना है, वो रिंग लेने चलते हैं हम जल्दी, हैं बाजार जा रहे हैं। पर मेरा टाइम तो वेस्ट हो गया ना, फेल हो गया ये भी प्लान, कोई और प्लान सोचना पड़ेगा। अगर किसी जाओ ना, मैं कर लूंगी, आई विल गेट इट डन अंग्रेजी में। हां हां निकलते हैं, पर एक शर्त है हमारी। हां दसो। कि आपको हमारी जरूरत होगी तो आप हमें बुलाएंगे। Why not? अंग्रेजी में जरूर बुलाएंगे। तुसी जाओ। देखो, मैं ये सब कर लेवांगी। हैं? खाने की सारी तैयारी कर ली है मैंने, और तो और जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो खाने पे ना गाना बनाती हूँ, जैसे कौन है जो आलू है लाया, किसने है मेथी बनाया, लो किसे गया टमाटर, गोभी नया रंग लाया। काकी साहब, आपने बहुत कमाल की है सच में। बस हो गया, एंटरटेनमेंट खट्टा अंग्रेजी में। ओ जी लेटर अंग्रेजी में। ओके बाय। ओए रब्बा की कसम, किरण बल्ला जी, उनकी होया कि नाकाम पड़िया है। ये आदमी ने मैनू कुछ कर दिया,
सुन इतना, तेरी बीजी अकेले काम कर रही है किचन में और तू आराम करती रहती, से कुछ शर्म नहीं आती? अगर किसी ने देख लिया तो व्हाट विल दे से? अगर मैं तेरी सास होती ना तो मैं तो शादी कैंसिल कर देती। ओए होए 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 पुअर, जब भी मुंह खोलोगी व्याप तोड़ने की बात करोगी। तुझे रुको, मैं कुछ करती हूँ। रुको, मैं क्या करूँ? चल मेरे साथ। मैं ये ले सब्जियां काट, इधर आ। ये ले ये काट। तुझे जानते हो ना कि प्याज और लहसुन छूने से काटने से मुझे कुछ हो जाता है। ये काट तू और प्याज के पकोड़े बना। और डोंट वरी, मैं यही हूँ, वहां जाके पहरा देख रही हूँ, कोई भी नहीं आएगा। ओके ये ले बनाना शुरू कर। पक्का? हाँ। जी बाय गॉड की कसम, पिया तो घर आएगा तू अंकल जी मेरे को। लो लो पुत्र जी, लो लो। और मेरा पिया घर आया। ओ राम जी, और मेरा पिया घर आया। छेती दसो जी, क्यों लभिया मैनू, की लोड़ आ गई मैनू? बड़ा काम है। ओ तेरा दिमाग खराब हो गया किरण पल्ला, और मैं विला बैठोया हैगा। और परे हट, ओ मैं मदद कर रहा हूँ मुंडों की और सगाई की डेकोरेशन के लिए। आ तुसी मैनू नहीं लभिया? आवाज तो सेम टू सेम। बिल्लू मर जानी वही उनकी ने नवा षड्यंत्र किया है का है। वो बुद्ध की तरह खड़े मत रहो, वो जाके देखो तोड़ी लाडली ननार ने और की किया है। चलो जी मैं जानी हूँ। जीते जी साथ नहीं दिया, मरने के बाद साथ नहीं छोड़ती। न जाने क्यों छाती पे मूंग दलती बैठी। अरे आइए तो सही, देखिए तो सही, आपके घर के होने वाली बहू कैसे तन मन से अपने दोनों हाथों से खाना बना रही है। चलिए। अरे पता नहीं कौन सा तड़का लगा रही है कुड़ी दिगार। ओए खोतिये, खोतिये तुम्हें पता है ना प्याज को छूने से तेरा क्या हाल होता है? अरे आराम से आराम से। अरे भाई देखे तो सही कि हमारी बहू बना क्या रही है। क्या बात है कोमिला, तूने अपना मुंह क्यों छुपा लिया? ओ जी पैन जी, वो शर्मा रही है, बहू होने वाली है ना तो डीएस करके बेचारी शर्मा रही। पर आप तो नहीं शर्मा रहे ना, आप तो सास है, जाइए आप जाके देखिए आपकी बहू ने क्या पकाया है। जाइए जाइए। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे कैसे? एक मिनट पुत्र, ये सिखाया मैंने तेनू? हाँ, मेरे संस्कार भूल गई है? फैमिली द ट्रेडिशन अंग्रेजी में। मैंने तुझसे कहा था ना कि रसोई में बिना आशीर्वाद लिए नहीं आते हैं, और तू क्यों आई फिर? एक काम कर, हाथ दो ते आशीर्वाद ले ले माँ जी दा है। अरे नहीं नहीं नहीं, पैर छूने की क्या जरूरत है, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। एग्जैक्टली, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, ये सब फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? मत दो अपने हाथ। ओ जरूरत कैसे नहीं है बहन जी, खानदानी परंपरा है।
रूल्स अंग्रेजी में, ये तो करना ही पड़ेगा। जा पुत्र जा हाथ धो ले। आशीर्वाद। जीती रहो, सदा खुश रहो। जा बिल्लो जा, बहन जी नो इनके कमरे विच ले जा। इन्होंने अपनी बहू नो वैक भी लिया ते आशीर्वाद ते भी दिया। बिल्लो, तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया जो जबरदस्ती तुम हमें यहाँ पर ले आई। जीती रहो। बिल्लो रानी, वो कहावत तो सुनी होगी, जैसनु रब रखे उनु कौन चखे। ओ प्रजाई रानी, लेट मी टेल यू वन थिंग, भूतों का ना रब नहीं होता, भूतों का शैतान होता है, शैतान। और मेरे शैतानी दिमाग में ऑलरेडी एक आइडिया आ चुका है। एंड ये सगाई नहीं होगी। जी आप लोगों को ना हॉल में सब लोग बुला रहे हैं, एंगेजमेंट का टाइम फिक्स हो गया है। हाँ हाँ चलो पुत्र, चल को मिला। हाँ जी, चलिए चलिए ना, चलिए आओ बुआ। निमी भाभी, ये बुआ जी ऐसा क्यों बोल रही थी कि ये सगाई कभी नहीं होगी? वो तूने सुना ना? हाँ। पता नहीं बुआ को क्या प्रॉब्लम है। चल कोई नहीं, चल। अरे हो गया। चलो भाई काम हो गया। मिल गई अंगूठी, वरना बहुत देर हो गई थी मुझे तो। मॉम जी, अरे अरे रिया आदि, अरे वाह 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 वाह। अरे रिया बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? मॉम जी, मम्मा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही समय पर आए हो। अरे आते कैसे नहीं, हमारे राधे भैया की शादी का फंक्शन है, हम कैसे मिस कर सकते थे। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, अब हम पांच भाई ना हमारे भाई नंबर 6 की शादी में धमाका कर देंगे। बिल्कुल। अरे धमाका तो जब होगा ना, जब बात आगे बढ़ेगी। हाँ तो होने वाली बहू नंबर 6 की होने वाली सासू नंबर 1, बताइए कितने बजे का मुहूर्त निकला है होने वाली सगाई का? बता रहे हैं बता रहे हैं, थोड़ा धीरज रखिए होने वाले ससुर जी। अगर राधे का बस चले ना, वो आज ही शादी कर ले। क्यों होने वाले दूल्हे मियाँ? आज इतनी सच्चाई नहीं वो लिख रहे हैं। मासा क्या हुआ, आप ठीक है ना? ठीक तो हूं, लेकिन आप और भी ठीक हो जाऊंगी। सगाई का मुहूर्त तो पंडित जी ने बोल दिया है और सगाई होगी रात के 12 बजे। ये क्या हो गया है? ओए चलिए, कमली हो गई क्या? गेट लॉस्ट। अरे रात दे 12 बजे भी कोई मुहूर्त होता है? मुहूर्त होता है रात के 8 बजे। क्यों नहीं होगी रात के 12 बजे सगाई? पंडित जी ने बताया है। ओए चलिए,
पंडित गया पारिच। इस करती वड्डी मैं जो कहूंगी और ये होएगा। बड़ी तो आप हैं और अब तो बहुत बड़ी हो गई हैं। इसलिए अब आपका समय नहीं, समय मेरा है। ओके, तू मेरे से जुबान लड़ा रही है, मैं तेरी जुबान खींच लेंगी। आहो ओ आहो की लगती, अपने नाक में डली हुई उंगली तो खींच नहीं सकती, मेरी जुबान क्या खा खींचेगी आप? ओए मैं तेरी चुटिया पकड़ के तेनू गेट आउट कर देंगी। ए चुटिया नहीं चूड़ा है, कांट यू सी दैट? मैनू गुस्सा आ रहा हैगा, नहीं होगी ये सगाई रात के 12 बजे और ना ही होगी जी ये रात के 8 बजे। हम तो सगाई करेंगे रात के 9 बजे। आओ वाओ, अगर आप दोनों नहीं माने ना तो अंजाम के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। है मैं तो मान जाऊंगी, पर ये मानेंगी क्या? 9 बजे का मुहूर्त चंगा है, मैनू मंजूर है। गेट लॉस्ट भाभी, मॉम जी ने मुझे गेट लॉस्ट बोला। सब गए, मैं भी गायब हो जाती हूँ। क्या हो गया आज इन तीनों को? अंकल आंटी और बुआ जी कहाँ चले गए? कहीं भी नजर नहीं आ रहे। राधे भैया तो घायल ही हो जाएंगे इन कचराते नैनो को देखकर। ओए होए, हाथों में 9-9 चूड़ियां, कोई राधे भैया को कह दे कि अब नो मोर मजबूरिया। भाई हम तो ये हार पहना सकते हैं बस, बाकी बाहों का हार तो कोई और पहनाएगा। बस बस बहुत हो गया, अब हुआ श्रृंगार पूरा, भोले बाबा करे किसी की नजर ना लगे। ओ जी नहीं पुत्र जी, दरअसल मैंने आप लोगों से बताया था ना कि ये पागल है चली द मैड अंग्रेजी में। तुसी नीचे जाओ, बाकी तैयारियां करो। है आंटी जी, हम लोग चलते हैं, आप कोमिला को लेते आइएगा। तू पागल घोड़े वर्गी क्यों हंस रही है? क्यों होया तनु? अरे उन लोग की बातों पे, पता क्या बोल रहे थे? तुझे नजर ना लगे, उनका ये नहीं मालूम कि भूतों को नजर नहीं लगती, और बेचारों को पता ही नहीं है कि ये भूतनी है। अब तक जब तक मैं हूँ तब तक पता भी नहीं चलूंगा, समझी? और ये रस्म रिवाज होते हैं, तुझे कुछ समझ नहीं आएगा है? ओ पुत्र जी, तू ना अपने नाना नानी का आशीर्वाद ले ले, एक मिनट। भूतनी की शादी? जी बाऊ जी, ऐ तोरी टूटी, इदा व्याह होने वाला है, नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, दोबारा सेकंड चांस अंग्रेजी में, इसनु आशीर्वाद दे दो प्लीज। ब्लेसिंग मिल गई अंग्रेजी में। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तोड़ा एक ही तो अरमान सी, दुल्हन बनने दा, व्याह करन दा, और ये अरमान पूरा होने जा रहा है। हाय मेरी प्रजाई रानी, हुन देखो बिल्लो क्या करती है।
से कौशिक की पांच बहुएं।